चलिए चलते हैं ब्लॉगिंग करने। और गाइस अभी हम चला रहे हैं जिक्सर 250 SF। और ये बाइक ABS है, डुअल चैनल ABS के साथ है, डुअल चैनल ABS 250 का इंजन डिस्प्लेसमेंट है इसका। और बाकी इसका एक्सलेशन वगैरह बड़ा मस्त है, बहुत तेज़ भागता है। अब ब्रेकिंग का भी वैसी है, कंट्रोल नॉर्मल कंट्रोल है ब्रेक का। गाइस बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है, आप अगर R15 से अगर इसे कंपेयर करो, एज ए प्राइस मैं बता रहा हूँ, वैसे डिस्प्लेसमेंट में नहीं बता रहा हूँ, एज ए प्राइस अगर आप करते हो तब ये बाइक बेस्ट रहेगा आपको। नॉर्मल है, R15 से नहीं, आप इसे KTM से कंपेयर करो, सॉरी R15 के लिए, R15 अलग ही है। बट प्रॉब्लम बताता हूँ मैं क्या होता है सब में, R15 में जो है ना आपको शोल्डर ज़्यादा दबा हुआ रहता है, सारे फोर्स वहीं लगते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, नॉर्मल है। उसके बाद KTM का आया, KTM का भी उसी टाइप का, उसका सीट हाइट पीछे ज़्यादा ऊँचा है, इसका सीट हाइट पीछे नॉर्मल है, मतलब तो पिलियन आराम से बैठ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग भी मस्त है, तो कंपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जो पसंद है आप वो ले लो, एज ए डायरेक्शन में बता रहा हूँ। और इस सीरीज़ में आपका है 250 सीरीज़ में आपको एक CBR आता है, CBR का जो टैंक है आगे वाला वो बहुत बड़ा है, उसमें मतलब जो फैट आदमी होंगे, जो थिक होंगे, वो उनका पेट अटक जाएगा वहाँ, उसके बाद उनको प्रॉब्लम होगा वहाँ पर, तो वो भी वो नहीं चला सकेंगे। बट ये सुजुकी का जो है वो बेस्ट बाइक है, इसका डिज़ाइन भी बड़ा ऑसम है, मैंने इसका वॉक अराउंड बनाया था, आप लोग देखे ही होंगे, शुरुआत में मैंने दिखाया था वॉक अराउंड, और बाकी इस पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्पीड भी बड़ा मस्त है, 250, आफ्टर ऑल 250 डिस्प्लेसमेंट दिया है इसका, तो स्पीड तो ख़राब होगा ही नहीं, स्पीड भी बहुत अच्छा है इसका। और गाइस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसे परचेस करें, यूज़ करें, आफ्टर ऑल एक सुजुकी का बाइक है ये, कोई इशू नहीं रहेगा। जिक्सर जो पुराना वाला था SF, वो बहुत बिका था, उसका सेलिंग मार्केट भी बहुत अच्छा था, इसका भी अच्छा है, जिक्सर 250 SF। और इस पर आपको जो स्पीडोमीटर है उस पर डिस्प्ले करने के लिए इसका स्पीड डिस्प्ले होता है, इसका ABS वेरिएंट डिस्प्ले होता है, ABS जो शो करता है। उसके बाद गियर डिस्प्ले करता है, टाइम डिस्प्ले करता है, आपको किलोमीटर आपने कितना चला है, ट्रिप वगैरह वो सब डिस्प्ले करता है, मतलब एक कंप्लीट एक अच्छा बाइक है 250 के डिस्प्लेसमेंट के साथ, अब चाहे तो इसे ज़रूर लें। और मैंने एक निंजा चलाया था, निंजा 300, मुझे उसका सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा लगा था, ये चला रहा हूँ वो भी डिट्टो है, सिटिंग पोस्चर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सिटिंग पोस्चर है, सीट हाइट भी बड़ा अच्छा है इसका, बस एक प्रॉब्लम है वो है इसका वाइज़र का, वाइज़र बहुत छोटा दिया है इसका, तो आफ्टर ऑल अगर आप बिना हेलमेट के से राइड करोगे तो आपको बहुत हवा लगेगा, विंड ब्लास्ट बहुत होगा आपके फेस पे, वो कोई इशू है वो एक छोटा सा, बट आप इसमें एडिशनल वाइज़र लगा के आप ठीक कर सकते हो इसे। देखा जाए तो इसे भी मैंने ट्रैक पर चलाया नहीं है, मैं ट्रैक पर चला के इसका स्पीड बताऊँगा आप लोगों को, तब तक के लिए आप लोग देखते रहे मेरे चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मिलते हैं आपसे अलग ब्लॉग, बाय।